हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ओके, एजुकेशन जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एजुकेशन हमारी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है, हमें स्किल्स हम स्किलफुल बनते हैं। एजुकेशन से हमारी प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंक्रीज करता है। तो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो जितना क्वालिटेटिव रहेगा उतना ही वो प्रोडक्टिव ह्यूमन रिसोर्स क्या कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज की अगर बात करें तो हम उसमें क्या उसके क्या इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक लिटरेसी रेट, अटेनमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ स्कूलिंग। ओके, कितने लोग पढ़े, कितना पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना लोग पढ़ना लिखना जानते हैं और कितना लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, एनरोलमेंट रेशियो कितना है फर्स्ट प्राइमरी लेवल में, सेकेंडरी लेवल और टर्शरी लेवल। सिर्फ इतना, ये जो इंडिकेटर्स है ये क्वांटिटी इंडिकेटर्स है। और जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये क्वालिटी में ये इंडिकेटर्स कम पड़ जाते हैं। तो जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज की अगर बात करें तो हमें कुछ और भी जो है इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंडिकेटर लाइक प्यूपिल टीचर रेशियो, शेयर ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इन डिफरेंट पॉपुलेशन सब ग्रुप, रेपिटेशन, ड्रॉप आउट, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, शेयर ऑफ वेजेस अर्निंग, परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन कॉग्निटिव स्किल इन सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, इन सब चीज़ों की क्या होती है, हमें ज़रूरत होती है। अगर स्कूल है, स्कूल में क्लासरूम है, क्लासरूम में जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, एक टीचर के क्लासरूम में जितने कम स्टूडेंट होंगे उतना ही उनका क्वालिटेटिव इंटरेक्शन उनमें हो पाएगा और वहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत ही क्वालिटेटिव रहेगा। ओके, फिर जो जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कितने जो बच्चे हैं जो स्कूल में स्कूल या स्कूलिंग एजुकेशन लेने की एज के है लेकिन वो फिर भी स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, कितने लोग बाहर है और कितने स्कूल अटेंड कर पा रहे हैं, उसमें फिर रिपीटेशन वाले स्टूडेंट कितने हैं, ड्रॉप आउट्स कितने हैं, साथ ही साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ का अर्निंग अर्निंग कितना कितना है लोगों का। ठीक है, फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मैथमेटिकल और साइंस की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये सब चीज़ें होगी तो ही हम उसका जो एक क्वालिटी जो है वो मेजर कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ अगर हम क्वांटिटी की अगर बात करें तो उस क्वांटिटी में सिर्फ हम क्या देख पाएंगे, उसका परफॉर्मेंस नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है एजुकेशन सेक्टर। सिर्फ एनरोलमेंट एनरोलमेंट इंक्रीज होना ये कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है एक एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो एनरोलमेंट रेट है वो बड़ा है, स्कूल में एनरोलमेंट रेट बड़ा है, बट अभी भी उनमें जो क्वालिटी क्वालिटी का जो क्वेश्चन है वो अभी भी उसमें काफ़ी कुछ डेवलप करने की ज़रूरत अभी भी है। ठीक है, जब क्वालिटी एजुकेशन की जो क्वालिटी है इसका इम्पोर्टेंस समझते हुए 1970s और 1980s में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए कुछ एजेंसी द्वारा, वन ऑफ द एजेंसी इज द वर्ल्ड बैंक है ना, ताकि इस तरह से लिए गए ताकि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव कर सके, स्पेशली इन अ डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, इट इज ऑफन पॉइंट आउट दैट द सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन डज नॉट एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल स्किल फॉर क्रिएटिव इन अ स्टूडेंट बट फोकस ऑन रोट लर्निंग। ठीक है, जिस तरह का अभी जो एजुकेशन सर्विसेज है जिसमें जिसमें सिर्फ इवेल्युएशन किस तरह से होता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में स्टूडेंट कैसे अपियर होते हैं, जो सिलेबस होता है सिलेबस को बस वो बहुत बहुत अच्छी तरीके से उसको रट लेते हैं
और फिर एग्जामिनेशन में लिख लेते हैं। बट इसमें वो एग्जामिनेशन तो क्लियर कर पाते हैं, लेकिन जो उस एजुकेशन से जो स्किल्स उसमें डेवलप होनी चाहिए, जो क्रिएटिविटी उनमें आनी चाहिए, वो क्रिएटिविटी और स्किल्स उसमें डेवलप नहीं हो पाती है। ओके और इस जो अकॉर्डिंग टू एनुअल स्टेटस एंड ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में जब सर्वे किया गया तो वहाँ पे स्टूडेंट तो ठीक है, स्टूडेंट को नहीं आ रहा है, बट वहाँ के जो टीचर्स है वो टीचर्स को भी सिंपल मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं करने आ पा रहे थे। आप सोच सकते हैं कि जब स्टूडेंट ही नहीं सॉल्व कर पा, टीचर्स ही सब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाते होंगे और स्टूडेंट वहाँ क्या पढ़ते होंगे। सिर्फ स्कूल में एडमिशन ले लेने से काम नहीं चलता, वहाँ का जो टीचिंग प्रोसेस है वो टीचिंग भी क्वालिटी होना चाहिए, अदरवाइज स्कूल में जाके कोई डिफरेंस नहीं रहेगा एजुकेशन लेके और ना लेने में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एज डिफाइंड बाय यूनिसेफ इन 2000 इंक्लूड द फॉलोइंग इंटरडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जो यूनिसेफ ने जिस तरह से डिफाइन किया है उसमें फोर कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसमें सबसे पहला है प्यूपिल। अब प्यूपिल मीन्स कौन हो जाता है? लर्नर। लर्नर मतलब स्टूडेंट जो एजुकेशन ले रहा है। तो प्यूपिल मस्ट बी फिजिकली साइकोलॉजिकली हेल्दी एंड वेल नरिश। जो लर्नर है वो फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, साइकोलॉजिकली भी हेल्दी होना चाहिए और वेल नरिश होना चाहिए। और साथ ही साथ उसको उसके लिए जो है उसके फैमिली का काफ़ी सपोर्ट होना चाहिए। जो एजुकेशन सर्विसेज अवेल करने में जो कुछ भी फैसिलिटीज जो फैमिली प्रोवाइड करती है वो उसके लिए फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि स्टूडेंट का स्कूल में एडमिशन कराना, फिर बुक्स प्रोवाइड करना स्टूडेंट को, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि वो बच्चा पढ़ सके, इसमें फैमिली के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था अबाउट द प्यूपिल। नाउ नेक्स्ट इज लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है? अभी लर्निंग एनवायरनमेंट में भी थ्री कंपोनेंट है। थ्री कंपोनेंट कौन सा है? फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सर्विस डिलीवरी। तो सबसे पहले जो है फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट रिफर्स टू द बिल्डिंग, वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, क्लासरूम, फर्नीचर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल का, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे आराम से बैठ के वहाँ पे पढ़ सके। वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए ताकि पूरा समय वो कंफर्टेबली पढ़ सके। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ होनी चाहिए, इनफ लाइट होनी चाहिए, जब कभी ज़रूरत पड़े तो फैन की फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए अच्छी, उन्हें मिलनी चाहिए बुक्स पढ़ने के लिए। सब सारी बुक्स थोड़ी ना एक स्टूडेंट खरीद पाता है, बट लाइब्रेरी इस तरह से होनी चाहिए कि काफ़ी सारा मटेरियल वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सके जिससे स्टूडेंट्स और अच्छा पढ़ सके। प्लेग्राउंड होना चाहिए स्कूल्स में ताकि जो स्पोर्ट्स वो खेल सके, ताकि और फिजिकल एक्टिविटी में वो इस अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। फर्नीचर्स और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो स्कूल का, वो आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। नाउ अभी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इट इंक्लूड द सेफ एंड जेंडर सेंसिटिव एनवायरनमेंट। ओके, जो भी जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर्स है, इनकी नीड देख के स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो होना चाहिए। उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटीज हो गया, टीचर्स का जो बिहेवियर है स्कूल में, वहाँ के स्कूल की जो डिसिप्लिन पॉलिसी पॉलिसी हो गया वो इस तरह से होना चाहिए कि सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ सके कंफर्टेबली, किसी भी तरह का कुछ भी मिसबिहेव उनके साथ नहीं होना चाहिए। सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी में आता है जो थर्ड फैक्टर है, सर्विस डिलीवरी में प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड, हेल्थ केयर, ओके, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड फैसिलिटेट फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, जब कभी कुछ भी किसी भी तरह की इमरजेंसी आ गए तो फर्स्ट एड उनके पास होना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर
पर्सनल लेवल पे या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह की भी जो सर्विसेज है वो एक लर्निंग एनवायरनमेंट में आती है, और वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो है ये सब फैक्टर्स ज़रूरी है। नाउ थर्ड वन इज़ द कंटेंट। कंटेंट मीन्स वॉट? कंटेंट रिफर्स टू द करिकुलम एंड टीचिंग मटेरियल, शुड बी बैलेंस इन टर्म ऑफ इम्पार्टिंग न्यूमरेसी एंड लाइफ स्किल, इट शुड बी स्टूडेंट सेंटरिंग एंड नॉन डिस्क्रिमिनरी। ठीक है, जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस किस तरह से होने के स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, स्टूडेंट जिसको अच्छे से समझ सके, और उनमें ये जो लाइफ स्किल्स है और जो न्यूमरेसी स्किल है, ये सब स्किल उनमें डेवलप हो सके, इस तरह का उनका जो सिलेबस है, वो कंटेंट है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट इज पैडागॉगी। पैडागॉगी रिफर्स टू द प्रोसेस विच टीचर फॉलो टू इम्पार्ट द नॉलेज। अब वो जो जो नॉलेज है, वो नॉलेज जब टीचर है, वो टीचर को जो सिखाने का तरीका है वो भी इस तरह से होना चाहिए कि जो प्रॉपर नॉलेज जो है वो बच्चों तक पहुंच सके। टीचर्स भी कैसे होने चाहिए? कॉम्पिटेंट होने चाहिए, अच्छे ट्रेन होने चाहिए, और स्टूडेंट सेंट्रिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। मतलब जो भी टीचिंग है वो स्टूडेंट के लिए होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट इसमें सर्विस का रिसीवर है और उसको अच्छे से अच्छा सर्विस जो है वो टीचर को प्रोवाइड करते आना चाहिए। साथ ही साथ टीचर के लिए भी जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, और जो स्टूडेंट्स है, जो भी जिस तरह से भी उनको इवैल्यूएट किया जाएगा, जिस तरह से भी जो सीखे है, जो फीडबैक उनसे लिया जाएगा, वो जो है वो मैकेनिज्म भी अच्छा होना चाहिए। ये था पैडागॉजी। ना इसके अलावा हमने देखा था कि एजुकेशन एजुकेशन ये जो मार्केट है, इसमें असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टूडेंट साइड है सर्विस लेने वाला और जो सर्विस प्रोवाइडर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके बीच में असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और असिमेट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए एजुकेशन सर्विसेज में एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग, ये एक चीज इंक्लूड की गई है। जिस तरह से हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को A+ रैंक है, A++ रैंक है, ओके, तो इससे हम क्या पता करते हैं कि वहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो किस तरह से है, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द क्वालिटी डिफरेंस अक्रॉस द डिफरेंट प्रोवाइडर कैन बी ओवरकम थ्रू सर्टिफिकेट एंड एक्रेडिटेशन। जो भी असिमेट्री का जो प्रॉब्लम है वो हम एक्रेडिटेशन एंड रैंकिंग से कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। एक्रेडिटेशन कैन बी पर्टिकुलर यूजफुल फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हम देखते हैं हायर एजुकेशन में। जैसे इंडिया में एक काउंसिल है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसको शॉर्ट में नैक बोला जाता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1994 में, और ये UGC के गाइडेंस में काम करती है, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को क्या करती है, ये एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है, रैंकिंग प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ एक्रेडिटेशन के दो बेनिफिट है। तो फर्स्ट इज व्हाट कि जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर क्या कर सकता है, वो उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, वो डिटरमाइन कर सकता है, और साथ ही ताकि जो बाकी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो क्या करेंगे, वो रैंक हासिल करने के लिए अपने क्वालिटी में कैसे करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। हाउएवर रैंकिंग हैव इज ओन लिमिटेशन, बट अभी रैंकिंग के भी क्या है, लिमिटेशंस है। तो सबसे पहला क्या है, रैंकिंग इज सेंसिबल एंड मीनिंगफुल ओनली अक्रॉस द कंपेरेबल सेट ऑफ होमोजेनियस इंस्टीट्यूशन। जब रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे उसमें उस
कंपैरिजन कैसे होता है ना, जो सिमिलर दो सिमिलर चीज़ों में क्या होता है वो कंपैरिजन किया, दो होमोजेनस प्रोडक्ट में क्या होगा कंपैरिजन हो सकता है। जैसे हम सोप को सोप के साथ ही कंपेयर करेंगे, ओके, शैम्पू को शैम्पू के साथ ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, लेकिन हम कुछ इस तरह के होमोजेनियस सर्विसेज को ही हम ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा भी कुछ फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, उसके रैंकिंग जो रहेगा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। टू, इफ वी कंसिडर यूनिवर्सिटी एज अ मल्टी प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे हमने फीचर्स में देखा कि एजुकेशन सर्विसेज की अगर बात करें कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हमें मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और अगर हम इफ वी कंसिडर द यूनिवर्सिटी एज अ मल्टी प्रोडक्ट फ्रॉम रैंकिंग में इग्नोर सम ऑफ दिस प्रोडक्ट, अगर कोई इंस्टीट्यूशन बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है तो हम क्या कर सकते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ये था रैंकिंग का लिमिटेशंस था। थैंक यू। इफ यू अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा।